हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। आज हमने जो वीडियो बनाया है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पटवारी परीक्षा, चाहे व्यापम हो, राज्य सेवा परीक्षा हो, संविदा शिक्षक हो, बैंकिंग या अन्य किसी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो हमने आपके लिए 40 भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाटे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरी कुछ कार्य व्यवस्थता के कारण मैं अभी कुछ वीडियो डाल नहीं पाया था, लेकिन अब हमने वापस से आपके लिए रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराना शुरू कर दिए हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है एडम स्मिथ। जैसे कि हम जानते हैं, एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में या बुक के लिए जाने जाते हैं, और इन्हीं से इनको इनका नाम अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सिस बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है अहमदाबाद, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी सर्वाधिक एटीएम भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही हैं। विदेशों में भी इसकी शाखाएं, और करंट का एक क्वेश्चन अभी तैयार हुआ है कि इसने म्यांमार में भी अपनी शाखा खोली है। और एक और क्वेश्चन इस पे बनता है कि इनकी जो अध्यक्ष हैं वो अरुंधति भट्टाचार्य है, जो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सूची शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना स्थान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? और इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला तैरता एटीएम स्थित है? और इसका सही जवाब है केरल, और केरल में भी कोच्चि शहर में। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? और इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। जैसा कि आप जानते ही हैं, रघुराम राजन के बाद उर्जित पटेल ने अपना स्थान बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बनाया। क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड किसे मिला है? और इसका सही जवाब है हमारे भारत के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 9, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारे देश में भी डिजिटल क्रांति चल रही है, जिसके तहत पेमेंट के लिए एक नया डिजिटल ऐप आया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? और इसका सही जवाब है दादा भाई नेहरोजी। जैसा कि आप जानते ही, आपने सुना होगा, इन्हें धन निकासी के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। और अगर विश्व में अगर राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है तो वो है आपके साइमन कुजनेट्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? और इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं किस राज्य में है? और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? और इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? और इसका सही जवाब है 18 जुलाई 1969 में। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का 1969 में हुआ था, वहीं इसके बाद 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्का एवं पदकों का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, जैसे कि हम जानते ही हैं, जहाँ पे सिक्के और हमारे भारतीय देश के लिए इस्तेमाल होने वाले भिन्न भिन्न पदक जो आपके ढलते हैं, उन्हें टकसाल कहा जाता है। और ये टकसाल हमारे भारत देश में स्थित है मुंबई, हैदराबाद, नोएडा तथा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है मुंबई, जो कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं, पूरे भारत में देश का
देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली संभालने का काम, मुद्रा प्रणाली संभालने का काम आरबीआई के हाथ में, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 30 जुलाई 2007 से नाम बदलकर क्या रखा गया था? और इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। जैसे कि हम जानते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 19, योजना या जिसका नाम नीति आयोग पड़ गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं, पहले भारत देश में 1950 में एक योजना आयोग बना था जो कि भारत के लिए योजना निर्माण करने का काम करता है। उसी के स्थान पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक नई संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नीति आयोग, और उसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। और उसमें जानकारी आप ऐड करना चाहें तो इनके उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, और इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जो नए नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? और इसका सही जवाब है, अगर पूर्ण रूप से भारतीय की बात है तो ये इसका सही जवाब आएगा पंजाब नेशनल बैंक, जो जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इससे पहले एक और बैंक बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसमें जो थी विदेशी पूंजी अधिक थी, और इस पंजाब नेशनल बैंक में पूरी तरीके से भारतीय पूंजी सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 21, इंपीरियल बैंक किसका पुराना नाम है? और इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते ही हैं 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, और जिसका नाम परिवर्तित करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? और इसका सही जवाब है 17, अब इसमें मैथिली को भी ऐड कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खुलवा सकता? और इसका सही जवाब है आरबीआई। जैसे कि हम जानते हैं ये बैंकों का बैंक है, यानी कि ये उधार लेना और देना सिर्फ बैंकों के साथ करता है, व्यक्तिगत खाते का इससे कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला मोबाइल लक्ष्मी वाहिनी बैंक कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है खरगोन, मध्य प्रदेश। इसमें आप एक और क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जो अभी करंट का ही है कि एक नया बैंकिंग रोबोट भी तैयार हुआ है और उसका नाम भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से आप दो बैंक क्या देखेंगे, एक आपका मोबाइल बैंक जो खरगोन में, और एक आपका रोबोट है जिसका नाम है लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? और इसका सही जवाब है शिरपुर, जिसका मुख्यालय है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 27, सहकारिता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है गोयपोरिया समिति। क्वेश्चन नंबर 29, एचडीएफसी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक कौन है? और इसका सही जवाब है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जिसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। जैसे कि हम जानते ही हैं सेबी के तहत हमारे दो मुख्य जो हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके सूचकांक क्रमशः हैं आपके सेंसेक्स और निफ्टी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है? और इसका सही जवाब है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1949, 1935 में इसकी स्थापना हुई, जबकि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? और इसका सही जवाब है 6 अप्रैल 1948। जैसे कि हम जानते ही हैं पूरी तरीके से ये आपकी क्लोज्ड
औद्योगिक नीति थी, इसको हमने पूरी तरीके से लिबरल बनाया है। एलपीजी का दौर आप जानते ही हैं, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर 1991 में, जो मनमोहन वित्त मंत्री थे जिस समय। क्वेश्चन नंबर 34, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं, उसका सही जवाब है रेपो रेट। जैसे कि हम जानते हैं रेपो रेट के तहत आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंक्स को थोड़े समय के लिए यानी कम समय के लिए लोन उपलब्ध कराता है, और अगर उसी को अधिक समय के लिए लोन उपलब्ध कराना होता है तो वह जो ब्याज दर पे देता है वो कहलाती है आपकी बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में औद्योगिक वित्त की मुख्य संस्था है, और इसका सही जवाब है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक कब पारित हुआ था, और इसका सही जवाब है दिसंबर 1999। जैसा कि हम जानते हैं ये बीमा नियामक है, जैसे सेबी जो है वो शेयर मार्केट को संभालती है, पूरा उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकिंग सेक्टर की आरबीआई है, टेलीकॉम सेक्टर की ट्राय है, इसी प्रकार बीमा कंपनी या बीमा क्षेत्र के लिए भारत में इरिडा है। क्वेश्चन नंबर 37, BSE 200 सेंसेक्स शेयर मूल्य सूचकांक किसका है, और इसका सही जवाब है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI किस बैंक की एक शाखा है, और इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कब हुआ था, और इसका सही जवाब है 4 सितंबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 40, 2016 में विमुद्रीकरण किस दिनांक को किया गया था, और इसका सही जवाब है 8 नवंबर। तो ये थे दोस्तों अर्थव्यवस्था के ऊपर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी तरह हम आपके लिए और वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि हम अभी आप मैप वाइज आपकी ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, किसी भी तरह की आपके मन में क्वेरी है, सवाल है, परेशानी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।